करना म्यूजिक और बताना कि मेरी ज्यादा सही आवाज आ रही है या फिर ये हल्ले गुल्ले की। ठीक है भैया, सो गाइस यहाँ पे एक चैलेंज है, यहाँ पे दरवाजा बंद हो चुका है, अब यहाँ से निकलने की चैलेंज है। बहुत ठंडा है मौसम, बहुत मतलब मौसम बहुत क्यूट हो रहा है, मजा आया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ एलेक्स पार्क, आप लोग के साथ फिर से और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा ऑसम होंगे। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन। और सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बाहर बारिश हो रही है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज तो सुबह से बारिश होने में लगी है, पहाड़ तो दिख भी नहीं रहे, अभी रोड में भी कोई नहीं चल रहा है, सब घर के अंदर होंगे और पकौड़ी खा रहे, चाय पी रहे। गीला आज सुबह गीला देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा वाटरफॉल। ये देखिए, ये है हमारे घर के पीछे का वाटरफॉल। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, सुबह से ही ठंडा है बहुत ज़्यादा। मैंने मफलर वगैरह पहना है, पापा ने मुझे शॉप में बैठा दिया, और शॉप में भी ऐसा बैठा है कि इसके दोनों स्वेटर खुले हैं दोनों साइड के, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। इस साइड से भी हवा आ रही है और इस साइड से भी हवा आ रही है, और बीच में मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। आज धूप तुम्हारे भाई एलेक्स पार करने चलाई है। अभी बारिश रुक चुकी है लेकिन मौसम देखिए कितना खतरनाक है, और इस साइड बहुत ज़्यादा बादल लगे हैं और इस साइड कोई बादल नहीं लगे हैं। पापा जी आ चुके हैं सामान लेके, और ये रखा है सामान। और आज मौसम कैसा हो रहा है फिर आप बता सकते हैं थोड़ा सा? मौसम का मिजाज आज बहुत ठंडा है, मौसम बहुत मतलब मौसम बहुत क्यूट हो रहा है, मज़ा आ गया मौसम में, मज़ा आ गया। हाँ भाई आ चुके हैं, धूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। हेलो एकर भाई, हेलो भाई, हेलो करण भाई, हेलो भाई, हेलो करण भाई। फिर से हम लोग बैठे हैं चार जने एक स्कूटी में, चार जने बैठने का टैलेंट से एलेक्स पार्क करके पास है। मौसम का कुछ नहीं कह सकते, अभी तक इतना जाड़ा था और अब इतनी गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप निकली है। और हैकर भाई यहाँ पे एक स्टंट मारने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हैकर भाई का स्टंट। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई है और व्यू काफ़ी क्लियर दिख रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। यह प्यारा प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अब छोटू थोड़ा सही है, इसको दवाई वगैरह लगाई थी हमने। छोटू कैसा है बेटा? बढ़िया है, अब थोड़ा सही है, अब इसकी टांग भी मतलब चोट काफी सही है पहले से। और मम्मी अभी गेहूं साफ कर रही है, भी पिसाने जाएंगे एक दिन। एंड जो मैंने ट्राईपॉड मंगाया था वो एकदम सही था, मेरे को ट्राईपॉड से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माइक मेरा खराब आया था। और अब हम जाएंगे डायरेक्टली शॉप में और वहाँ से माइक लेके आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली शॉप में बेनिफिट ये होता है कि कह दीजिए भैया ये माइक एक बार चेक करके बता दीजिए, तो वो वहाँ डायरेक्टली वहीं जाके सीधे चेक करके आ सकते हैं। ये ऑफलाइन मार्केटिंग में थोड़ा सही रहता है ऑनलाइन के हिसाब से, मेरे पर्पज से। वैसे आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, मुझे अभी हम लोग चलते हैं झटक से और माइक लेके आते हैं फटाक से। और ये है आसिक, देखिए कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता है, देखिए कहाँ पे बात कर रही आ रही है गली के अंदर। हो गई है थोड़ी देर और निकल पड़े हैं घर से। और ये अपने आकाश भाई, और ये भैया की शॉप किसे लिया था भाई? हेलो भैया, और जो मैंने माइक लिया वो लिया है बोयो का। ये भाई अक्कू भाई, ठीक है भैया, ये बड़े भाई है मेरे। ओके भैया। और ये भैया की शॉप राजा मोबाइल टेक्स, और पीछे नंबर लिखा है। और यह तिकोनिया चौराया, बस यहीं पे लोकेशन है और इसके साइड में ये शॉप है, तो आप यहाँ पे आइए और भैया की शॉप में थोड़ी सेल करवाइए। थैंक यू एवरीवन। अब तिकोनिया चौराया काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो चुका है और साइड में सारे गमले लगा दिए और फूल वाली माला भी है। सो गाइस यहाँ पे एक चैलेंज है, यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब यहाँ से निकलने की चैलेंज है, तो सबसे पहले हैकर जाएगा, निकलता है। क्या ही निकल पाएगा? अरे भाभी निकल गया भाई, निकल गया। हैकर बोलते हैं। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैंने कौन सा माइक ले लिया है, वो आपको पता है कि मैंने बोया का माइक खरीद लिया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अब और मैं आपको इसको डीपली समझाऊंगा। एंड ट्राईपॉड के बारे में मैंने आपको बताया था,
ट्राइपॉड के बारे में आपको सब पता है कि कैसे चलता है क्या चलता है, मगर आपको थोड़ा माइक के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे और इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें सेल डालना है या नहीं डालना है, तो और ये कैसे स्टार्ट करते हैं तो उसको डीपली मैं समझाऊंगा अभी। पहले हम अपने कैमरे को सेट कर लेते हैं ट्राईपॉड पे, फिर आपको समझाता हूँ और इसकी वॉइस टेस्ट भी करेंगे अभी कि इसकी वॉइस कैसे आ रही है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि हम इसको कैसे सेट करते हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि मैंने माइक लिया कहाँ से है, वो मार्केट की शॉप मैंने आपको दिखा दी और काफ़ी अच्छी शॉप है और काफ़ी सस्ते मुझे मिल चुका है, और यह है वो माइक बोया का। अब इसको खोलते हैं और माइक का कवर जो है वो ऐसा है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो ब्लैक कलर का यह है, और इसके अंदर दिखाते हैं कि क्या है। और ये रहा वो माइक और यह है बोया का माइक। जैसा कि इसमें दो ऑप्शन है, नीचे वाला जो होता है वो होता है स्मार्टफोन्स के लिए और जो ऊपर वाला होता है वो होता है कैमरे के लिए, तो हमें कैमरे में यूज़ तो करना नहीं, हम शूट करते हैं मोबाइल में, तो उसको नीचे ऑफ में रखेंगे और स्मार्टफोन्स में वहाँ पे टैप कर देंगे नीचे को। अभी इसमें सेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेल की ज़रूरत तब होती है जब हम इसको कैमरे में कनेक्ट करें और कैमरे में यूज़ करें, तो अभी हमें सेल की ज़रूरत नहीं है तो हम इसमें सेल नहीं डालेंगे। एंड इसको स्मार्टफोन पे सेट कर दिया है, अब इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी वायर बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब तक देखिए ये इतनी वायर यहाँ पे अभी और बची है, और इतनी वायर काफ़ी होती है वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वायर है, मतलब काफ़ी दूर से आप शूट कर सकते हैं अपने लिए माइक से। वैसे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे बोया के माइक में। और जो साउंड क्वालिटी है वो हम इसको चेक करके दिखाएंगे आपको लास्ट में। जो मैं बोल रहा हूँ वो सिंपल अभी मुँह से बोल रहा हूँ, एंड आप मेरे को बताने कि डिफरेंस कैसा लगा आपको थोड़ा सा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इसका थोड़ा ऑडियो टेस्ट भी करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ और क्या क्या मिला है मुझे। इसके साथ है कि बड़ा पता नहीं पिन जैसी क्या है ये मिला है, मुझे पता नहीं किस काम आता है, शायद लैपटॉप में काम आएगा। ये रहा माइक के मुंह का जो ऊपर का भाग जैसा होता है, इसमें हम बोलते हैं ताकि इसमें गंदगी ना जाए, ये उस वजह से काम आता है। और ये क्लिप है अटकाने के लिए माइक को, ये सेल तब यूज़ आएगा जब हम कैमरे में यूज़ करेंगे, मगर अभी इस सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम माइक में सारे पार्ट लगा देते हैं। इसकी जो क्लिप है वो आपको बता दूं कि किस तरीके से लगेगी। इसका जो ये वाला सिरा है आपको ऐसे रखना है, और ये जो यहाँ पे गैप है इस तरीके को माइक के ऊपर रखना है और टैप करना है हल्का सा, ये देखिए। तो मैंने टैप कर दिया और ये माइक में लग चुका है। अब माइक के ऊपर का जो कैप है वो लगाते हैं, ये रही माइक की कैप, इसको भी लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर। तो माइक की कैप लगा दी है, अब थोड़ा माइक चेक करते हैं। सो गाइस, अब जो हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइक से। मैंने माइक यहाँ पे लगा लिया अपने कॉलर पे, और अब आप मेरे को बताओ कि वॉइस कैसी आ रही है, मतलब अब मैंने माइक सेट कर लिया, मैं माइक में बोल रहा हूँ और काफी सही आ रही है पहले से, मतलब थोड़ा तेज मेरा साउंड सुनाई दे रहा होगा। सो गाइस, अब इसकी ऑडियो चेक करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा ट्रैफिक को भी जाएंगे हर जगह शूट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्वालिटी कैसी आ रही है। तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी, और बाहर बारिश का साउंड आ रहा है, अब देखते हैं बारिश के साउंड को कैप्चर करता है मेरी वॉइस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शोर है, और देखते हैं कि अब क्या होता है, मतलब साउंड मेरा कैसा आता है यहाँ पे शोर पे। अब थोड़ा अंदर को भी जाते हैं और आप बताना कि साउंड में कैसा फ़र्क है पहले से, अब अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, मतलब जैसी भी आ रही है मेरे को बताना। एंड अभी थोड़ा टीवी खोलते हैं और देखते हैं कि टीवी का साउंड ज़्यादा आता है हमारा। तो टीवी हमने खोल दिया है और देखते हैं कि टीवी में कोई गाने लगाते हैं अच्छा सा, और यहाँ पे चल रहा है म्यूज़िक, और बताना कि मेरी ज़्यादा सही आवाज़ आ रही है या फिर ये हल्ले गुल्ले की, देखते हैं कि मेरी ज़्यादा आवाज़ को पकड़ता है या फिर टीवी की। हम इसका भी खाली साउंड चेक कर रहे हैं, तो बताना कि वॉइस कैसी आ रही है आपको, आपको माइक कैसा लगा। टीवी बंद कर दिया मैंने अभी, मैं बाहर को भी साउंड चेक करता मगर बाहर बारिश आ रही है तो हम जा नहीं सकते हैं बाहर, अभी हम लोग अंदर ही शूट कर लेते हैं हल्का सा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब साउंड कैसे आ रही है, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा मैं एडवांटेज में बात कर सकता हूँ आपसे, एंड ऐसी बूम में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मॉर्निंग। अब जैसे मैं माइक में फ़र्क आ ही आया था कि मैं हाव भाव जैसे भी हिला सकता हूँ, बहुत खुल के बात कर सकता हूँ आप लोगों से, एकदम ही जैसे मूवमेंट मुझे करना है वैसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड आ चुका है एंड माइक भी आ चुका, तो अब आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन चुका हूँ, और अब तैयारी होगी वो होगी काफ़ी ज़्यादा। एंड 1K सब्सक्राइबर प्लीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाइए ना, एंड जैसा आप प्यार शुरू से बनाते आए हैं वैसा आप एंड तक बनाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो अब हमें 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, एंड मेरी जो वीडियोस अभी तक जितनी अपलोड हुई हैं वो 51 वीडियोस हो चुकी हैं एंड कल 52 हो जाएगी।
तो आज की वीडियो में इतना था। ये मैंने आपको बताया था कि वीडियो में हम किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल हम जो माइक लेंगे उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो माइक हमारा आ चुका है, ट्राईपॉड आ चुका है, अब और क्या चाहिए। तो बाकी एक ट्राईपॉड और लेना है मुझे, जो थोड़ा हाई लेवल का हो, मतलब ऐसे शूट करने के लिए हर जगह, पर वो इतना काम आने वाला नहीं है, तो इतना ही काम आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और जैसा प्यार आपने स्टार्टिंग से बना के रखा है, ऐसा प्यार और बनाए रखिए। और मुझे भी आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइबर गेन करने हैं, 1K कंप्लीट करने हैं सब्सक्राइबर, एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी करवाओ ना। सो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, जुम्बे वाली नाइट करिए और स्टार्ट करिए एलेक्स पाका चैनल को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, एंड देखते रहिए बैक टू बैक व्लॉग्स मेरे लगातार रोजगार, हमेशा सुबह 7 बजे, और देखते रहिए रोज सुबह एलेक्स पाका चैनल को।